हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल स्टडी 22 अरोल में। तो आज की इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास टेंथ जो बायोलॉजी चैप्टर में पढ़ने वाले, जीव विज्ञान चैप्टर में पढ़ने वाले जैव प्रकरण। और जैव प्रकरण में के इसके पहले सेट वन वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, या पार्ट वन वीडियो है, उसमें 20 क्वेश्चन बता चुका है दोस्तों। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, अगर नहीं देखे हैं तो उस पर जाकर क्लिक कर आप देख सकते हैं। और मैट्रिक 2022 एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जैव प्रकरण से टोटल 84 क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर 21 क्वेश्चन से 44 क्वेश्चन तक करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं, यह रहेगा सेट टू वीडियो। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट 21 क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा प्रकरण है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन। ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो श्वसन द्वारा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधर नाल का सबसे लंबा भाग है, अधर नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आँत। अधर नाल का सबसे भागा सबसे लंबा भाग है तो छोटी आँत है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में। कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय द्वारा। किसके द्वारा पंप किया जाता है? तो निलय द्वारा किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? स्फाइगोमीटर को मापने में रक्त दाब को। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है रक्त को बहने से, स्राव होने से क्या करता है? रोकता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है तो किसके लिए? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसको घोलने के लिए? क्लोरोफिल में एल्कोहल में उबाला जाता है तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो 10 गुना पर। कितने गुना पर? 10 गुना पर देखा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है तो ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है तिलचट्टा का श्वसन अंग है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो फेफड़ा द्वारा श्वसन करती है। मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करती है? तो फेफड़ा द्वारा श्वसन किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के पत्तियों के रंधु द्वारा वाष्प के रूप में निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड। 33 नंबर क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधा हरा होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है तो अमीबा में ही अंतःकोशिकीय पाचन होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? 4 होता है। 36 नंबर, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो छाल में। कहाँ पाया जाता है? तो छाल में पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होता है? तो हरा रंग का होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है तो वेना क्यों है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में रसारोहण होता है तो फ्लोएम द्वारा पौधे में रसारोहण होता है फ्लोएम द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन, सेविक का स्राव किया जाता है तो छोटी आंत के द्वारा। सेविक का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, कार्बन के अस्वागीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपादक है तो ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उपोत्पादक है तो ग्लूकोज। 43 नंबर क्वेश्चन देते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं तो 4 व्यस्म। कितने व्यस्म? तो 4 व्यस्म पाए जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त के 100 मिलीलीटर में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होता है तो 20 मिलीग्राम। आज के लिए
इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे सेट थ्री वीडियो के साथ। ये सेट टू वीडियो रहेगा। अगर सेट वन वीडियो नहीं देखते, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।